श्रीनगर में भारी बर्फबारी से हाहाकार, रास्ते बंद होने से संपर्क टूटा। भारी बर्फबारी से सैकड़ों पेड़ गिरे, कल रात से लगातार हो रही है बर्फबारी। श्रीनगर की सड़कों पर 6 इंच तक जमी बर्फ, तापमान 0 तक पहुंचा। भारी बर्फबारी से सड़क पर चलना हुआ मुश्किल, गाड़ियों पर जमी बर्फ, टेलीफोन लाइन ठप। गुलमर्ग में जबरदस्त बर्फबारी, सैलानियों ने लिया मौसम का मजा। दिल्ली में फिर चढ़ा प्रदूषण का पारा, पिछले 2 दिन के मुकाबले आज दिल्ली की आबो हवा खराब। दिल्ली की ज्यादातर जगहों पर एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI बेहद खराब स्तर पर। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण का असर यमुना में दिखा, पानी पर तैरने लगी जहरीली आग। दिल्ली के राजपथ पर दिखी स्मॉग की चादर, प्रदूषण से परेशान दिखे लोग। नोएडा में प्रदूषण का कहर बढ़ा, सुबह सुबह कुछ इलाकों में दिखा स्मॉग। प्रदूषण पर दिल्ली के मुख्य सचिव सुप्रीम कोर्ट से उन्हें मिली फटकार, कहा अगर 7 दिन में कदम नहीं उठाए तो आपके टॉप बॉस को नहीं बख्शेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने किसानों को दी राहत, सरकार को दिए 7 दिनों के अंदर 100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से भुगतान के आदेश। आज दिल्ली में ऑड इवन का 4th दिन, आज ऑड नंबर की गाड़ियों को चलने की इजाजत, बुधवार को काटे गए कुल 709 चालान। पटना के प्रदूषण में भी हुआ इजाफा, मास्क लगाकर घरों से बाहर निकल रहे लोग, सड़कों पर पानी का छिड़काव। पंजाब में पराली जलने के खिलाफ एक्शन में आया प्रशासन, बरनाला में 18 किसानों पर केस दर्ज, 186 किसानों के चालान। राजस्थान के भीलवाड़ा में अजमेर हाईवे पर चलती कार में लगी आग, बाल बाल बची कार सवार की जान। लखनऊ में सीएम आवास चौराहे के पास बस ने स्कूटी सवार महिला को रौंदा, अस्पताल में महिला ने तोड़ा दम। मध्यप्रदेश के बड़वानी में भीड़ के हत्थे चढ़े 2 चोर, पीट पीट कर लोगों ने पुलिस के हवाले किया। लखनऊ के इंदिरानगर इलाके में इलेक्ट्रिक सामान की दुकान में भड़के शोले, लाखों का नुकसान। मध्यप्रदेश के चित्रकूट में ज्वेलरी शोरूम में लूट की वारदात, लाखों के गहनों पर हाथ साफ। लखनऊ के मीनाबाद इलाके में हनुमान मंदिर के पास दुकान में लगी आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू। यूपी के जौनपुर में नशे में धुत सिपाही का हंगामा, लोगों के साथ मारपीट और गाली गलौज। दिल्ली के पटपड़गंज इलाके में ट्रांसफॉर्मर में आग की लपटें उठी, दहशत में लोग। वाइजैग में हाईवे पर टक्कर के बाद ट्रक में आग, एक की मौत। बिहार के समस्तीपुर में रेलवे स्क्रैप डिपो में आग, करोड़ों के नुकसान की आशंका। दिल्ली के द्वारका सेक्टर 23 में पुलिस और बदमाशों के बीच भिड़ंत, 50,000 के नामी बदमाश को पकड़ा पुलिस ने। राजस्थान के झालावाड़ में पुलिस कांस्टेबल को ACB ने रंगे हाथ रिश्वत लेते पकड़ा, जमीन विवाद में मांगे थे 5,000। प्रयागराज में पुलिस ने सुलझाई 4 नवंबर को ही महिला के मर्डर की गुत्थी, जमीन विवाद में दूसरे पक्ष को फंसाने के लिए पति ने ही वारदात को दिया अंजाम। हरियाणा के रेवाड़ी में 4 बदमाशों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, लिफ्ट के बहाने लूट को देते थे अंजाम। प्रयागराज में ट्रेन में चोरी करने वाले 2 छात्र को पुलिस ने पकड़ा, चोरी के लैपटॉप और मोबाइल जब्त। दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में पारिवारिक विवाद के चलते पति ने ली पत्नी की जान, वारदात के बाद सरेंडर। लखनऊ में पुलिस ने किया कार चोर गिरोह का पर्दाफाश, गिरोह के 2 सदस्य गिरफ्तार, साथ में चोरी की 4 कारें जब्त। मध्यप्रदेश के रीवा में डकैती की योजना बना रहे 10 बदमाश गिरफ्तार, लूट के सामान के साथ हथियार और कैश बरामद। बिहार के नवरोड़ा हत्याकांड में CBI ने 10 लाख रुपए के इनाम की घोषणा की, शहर में जगह जगह चस्पा किए पोस्टर। राजस्थान के धौलपुर में डकैत लादेन को पुलिस ने किया गिरफ्तार, 27 अक्टूबर को ग्रामीणों के हत्थे चढ़ने के बाद कुछ लोगों की मदद से भागने में हुआ था कामयाब। यूपी के महोबा में पारिवारिक कलह के चलते महिला पुलिसकर्मी ने की जहर खाकर खुदकुशी की कोशिश, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। उत्तराखंड में जेलों की सुरक्षा पर उठे सवाल, देहरादून की जेल से इंटरनेट कॉल के जरिए धंधा चला रहे कुख्यात कैदी। बिहार के मोतिहारी में लूट और डकैती के आधा दर्जन मामलों में शामिल 2 अपराधी पुलिस के हत्थे चढ़े, कई वारदात को दे चुके हैं अंजाम। चित्रकूट में गैंगरेप के 4 आरोपियों को पुलिस ने धरा, 28 अक्टूबर को पीड़िता को अगवा कर वारदात को दिया था अंजाम। यूपी के देवरिया में पुलिस ने सुलझाई SBI जन सेवा केंद्र में हुई लूट की वारदात, 2 स्ट्रीट शीटर गिरफ्तार, 28,000 कैश के साथ हथियार बरामद। महाराष्ट्र में सरकार को लेकर खींचतान का दौर जारी, शिवसेना को सताया विधायकों के टूटने का खतरा। आज पार्टी विधायकों के साथ शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे की बैठक, बैठक के बाद विधायकों को 5-स्टार होटल में ठहरा सकती है शिवसेना। शिवसेना के डर के बीच आज राज्यपाल से मिलेंगे बीजेपी के नेता, सरकार बनाने का कर सकते हैं दावा। शिवसेना ने मुखपत्र सामना में बीजेपी का पर इशारों में लगाए गंभीर आरोप, लिखा कुछ लोग पैसे पावर से विधायकों को अपने पाले में करना चाहते हैं। बीजेपी के बहुमत के दावे को संजय राउत ने दी चुनौती, कहा बहुमत जुटाकर दिखाए सहयोगी पार्टी। कोर कमेटी की बैठक में बीजेपी ने सरकार के फॉर्मूले पर की माथापच्ची, कहा जल्द आएगी अच्छी खबर। शिवसेना के नेता किशोर तिवारी ने संघ प्रमुख को लिखा खत, महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए गडकरी को मध्यस्थता के लिए कहा।
एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार का शिवसेना को झटका, बोले शिवसेना बनाए सरकार, विपक्ष बैठेगी कांग्रेस एनसीपी। आरपीआई ने भी उद्धव की उम्मीदों पर फेरा पानी, कहा दोबारा चुनाव मंजूर लेकिन मंजूर नहीं होगा शिवसेना का सीएम। बीजेपी शिवसेना की खींचतान पर कांग्रेस की नजर, कांग्रेस के नेता अशोक चव्हाण का बयान, बीजेपी शिवसेना के फेल होने पर एनसीपी के साथ मिलकर लेंगे फैसला। महाराष्ट्र के अकोला में शिवसैनिकों ने पार्टी की सरकार के लिए किया हवन, बीजेपी को सद्बुद्धि देने की प्रार्थना की। सराय रंजन मेडिकल कॉलेज पर दिए अपने मंत्री महेश्वर हजारी के बयान पर भड़के सीएम नीतीश कुमार, समस्तीपुर में मन से कहा उनसे करेंगे सवाल। रामपुर की जिला अदालत में मंगलवार को पेशी पर नहीं आए आजम खान, कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए अगली तारीख पर पेश होने के दिए आदेश। एक पार्टी की बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने किया पलटवार, कहा कांग्रेस एक व्यक्ति एक आवाज और एक विचार वाली पार्टी नहीं है। डीएचएफएल घोटाले पर यूपी के कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह का बयान, कहा मामले की होगी निष्पक्ष जांच। देवेंद्र फडणवीस को दोबारा सीएम बनाने के लिए माहिम दरगाह पर चढ़ाई गई चादर, प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन हाजी अराफात शेख ने मांगी दुआएं। पश्चिम बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष सोमेन मित्रा ने दिलीप घोष को लेकर दिया विवादित बयान, कहा कोयले की तरह कितना भी साफ करो काले ही रहेंगे। राजस्थान के बाड़मेर में नगर निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी कांग्रेस में घमासान, बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस विधायक पर लगाया पर्चा खारिज करवाने का आरोप। यूपी के पावर कॉर्पोरेशन में घोटाले के खिलाफ प्रयागराज में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा का फूंका गया पुतला। झारखंड में चुनाव से पहले रुपए बरामद होने का सिलसिला शुरू, गढ़वा में दो गाड़ियों से लाखों रुपए बरामद। देश के कई शहरों में आसमान पर पहुंची प्याज की कीमत, दिल्ली में बाजार में 100 रुपए प्रति किलो हुआ भाव, मुंबई में 60 से 80 रुपए किलो बिक रहा है प्याज, दामों में 100 रुपए प्रति किलो पहुंचने की आशंका। प्याज की सबसे बड़ी मंडी नासिक में प्याज हुआ महंगा, 1 किलो प्याज के चुकाने पड़ रहे हैं 66 रुपए। केंद्र सरकार ने प्याज के बढ़ते दाम के पीछे फसल में देरी को बताया वजह, प्याज आयात करने की बात कही। अयोध्या पर फैसले से पहले कल्कि रामजी महाराज ने किया पूजन हवन, छोटे बच्चे और साधु संत हुए शामिल। अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पहले पीएम की मंत्रिमंडल को नसीहत, कहा बेवजह और उकसाने वाले बयान से करें परहेज। प्रधानमंत्री मोदी का एनडीए के सभी सांसदों और मंत्रियों को निर्देश, अयोध्या पर फैसले के बाद कुछ दिन तक अपने इलाके में ही ठहरे। अयोध्या फैसले के पहले यूपी के भाईचारा बनाए रखने की बड़ी पहल, योगी सरकार के मंत्री मोहसिन रजा ने 5 बड़े मुस्लिम धर्मगुरुओं के घर जाकर सद्भावना की अपील की। अयोध्या पर फैसले से पहले अलर्ट पर पूरा देश, मथुरा में सुरक्षा बलों ने किया फ्लैग मार्च। यूपी के सुल्तानपुर में फैसले को लेकर प्रशासन सतर्क, पुलिस बल के साथ शहर में रूट मार्च और चेकिंग का अभियान। अयोध्या पर फैसले से पहले कानपुर में भी बढ़ाई गई सुरक्षा, ड्रोन कैमरे में रखी जाएगी शहर के चप्पे चप्पे पर नजर। यूपी के शाहजहांपुर में फैसले से पहले सद्भाव बनाए रखने की कोशिशें, डीआईजी और कमिश्नर ने की पीस मीटिंग। प्रयागराज में भी फैसले को लेकर पुलिस ने की तैयारी, हिंदू और मुस्लिम धर्मगुरुओं के साथ महकमे के आला अधिकारियों की मुलाकात। फैसले से पहले श्री श्री रविशंकर ने लोगों से अपील की आप सौहार्द बनाए रखें, किसी अफवाह पर ध्यान ना दें। अयोध्या पर फैसले के बीच आज से पंचकोसी परिक्रमा की शुरुआत, सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त। करतारपुर कॉरिडोर खोले जाने के फैसले को गृहमंत्री अमित शाह ने ऐतिहासिक बताया, गुरु नानक देव जी की 550 प्रकाश पर्व पर वीडियो शेयर किया। पाकिस्तान ने सिद्धू के लिए जारी किया वीजा, भारत सरकार से अब तक नहीं मिली है दौरे की मंजूरी। घर खरीद कर फंसे लोगों के लिए सुकून की खबर, फंसे प्रोजेक्ट के लिए सरकार बनाएगी 25,000 करोड़ का फंड, अधूरे घर किए जाएंगे पूरे। 30,000 कांड के विरोध में आज भी हड़ताल पर रहेंगे दिल्ली के वकील, अदालतों में ठप रहेगा कामकाज। दिल्ली पुलिस के समर्थन में गाजियाबाद में कैंडल मार्च, पुलिस वालों के परिवार वालों ने मारपीट का विरोध किया। देशद्रोह की धारा हटने के बाद हनीप्रीत को पंचकुला कोर्ट से मिली जमानत, जेल से सीधा सिरसा में डेरा सच्चा सौदा की गुफा में पहुंची हनीप्रीत। हनीप्रीत की रिहाई से डेरा प्रेमियों में खुशी की लहर, सिरसा के समर्थकों ने किया स्वागत। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान ने देर रात फिर तोड़ा सीजफायर, कठुआ के हीरानगर सेक्टर में की फायरिंग। आज हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी, ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट में लेंगे हिस्सा। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज सर्बिया के लिए होंगे रवाना, 3 दिन का है दौरा। ग्लोबल इन्वेस्टर मीट के लिए धर्मशाला पहुंची अभिनेत्री यामी गौतम, मीट की ब्रांड एम्बेसडर है यामी। पुलवामा में शहीद हुए धौलपुर के भगीरथ के परिवार में आई खुशियां, पत्नी ने बेटी को दिया जन्म। वेस्टर्न रेलवे ने मुंबई करों को दिया तोहफा, उत्तम नाम से कई लोकल ट्रेन की शुरुआत। पणजी में भारतीय कोस्ट गार्ड ने किया वर्कशॉप का आयोजन, समंदर की लहरों में चलाया सर्च अभियान। उड़ीसा में मोबा सर्विस ने पूरा किया 1 साल, मौके पर मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने किया बस में सफर। महाराष्ट्र के थाने में एक और पीएमसी खाताधारक की मौत, परिवार का आरोप पैसा ब्लॉक होने की वजह से नहीं मिली इजाजत।
मुंबई में बेस्ट इन महिलाओं को स्पेशल 37 बसें चलाने का बनाया प्लान, कुछ बड़े रूट्स पर चल रही है बेस्ट की लेडीज एक्सक्लूसिव। गुडविन ज्वेलर्स के खिलाफ पुणे में केस दर्ज, 28 लोगों ने की थी शिकायत, 3 करोड़ का चूना लगाने का आरोप। दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए बड़ी सौगात, पिथौरागढ़ के बाद इंडियन एयरबेस से हुबली के लिए उड़ान सेवा शुरू। पाकिस्तान के ननकाना साहब में 550 से प्रकाश पर्व की तैयारी, ननकाना साहब गुरुद्वारे में भव्य सजावट। आज राजकोट T20 पर बारिश का साया, मैच धुला तो सीरीज में अजय हो जाएगा बांग्लादेश। टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा का दावा, बदली रणनीति के साथ दूसरे मैच में उतरेगी टीम, कहा गेंदबाजी में पिच के हिसाब से होगा बदलाव। नए अवतार और किरदार में दिख सकते हैं धोनी, कोलकाता में होने वाले पहले टेस्ट में कमेंट्री करते आ सकते हैं नजर। आर अश्विन का दिल्ली कैपिटल से खेलना तय, केएल राहुल संभाल सकते हैं किंग्स 11 पंजाब की कमान। T20 वर्ल्ड कप में भारत पाकिस्तान का वार्म अप मैच मुश्किल, आईसीसी नहीं ले पाई कोई फैसला, अलग ग्रुप में दोनों टीमें।